हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था, कुछ मसले चल रहे थे, तो भाई आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, तो मैंने सोचा भाई लोग के लिए व्लॉग बना जाए। खैर व्लॉग को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी भाई साहब आप मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हुई पड़ी है, तो नहाते हैं। कोई 3-4 दिन से मैं नहाया भी नहीं। अच्छा तो नहा धो लिया मैंने, अभी चलते हैं किचन में, कुछ देखते हैं खाने के लिए पड़ा है कि नहीं पड़ा। खाने का सिस्टम तो अपने को मिल गया है, खुशकिस्मती से बिरयानी बची हुई थी कल रात की, लेकिन भाई साहब बर्तन सारे गंदे हैं, इनको धोना पड़ेगा। एक दो प्लेट धो लेता हूँ। खाना गर्म कर लिया है मैंने, बिरयानी अपनी। अभी जल्दी से खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे बाहर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है वो निपटाएंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, अभी अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया है, आप खुद ही पढ़ लो। भैया जी मैं फ्लैट पे आया था, आप सो रहे थे, आप सभी के लिए मिठाई और कचौरी सुहेल भाई को दे आया हूँ। अच्छा तो अभी जाके कचौरी और मिठाई यस करवाते हैं, बहुत सारी मिठाई आ रही है पाकिस्तान इंडिया से, आपको भी दिखाता हूँ क्या कुछ आया है। अच्छा तो भाई साहब आपको मिठाई दिखाता हूँ इंडिया और पाकिस्तान से जो आई है, कुछ लोंडे ने खा ली है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। ये भाई साहब पाकिस्तान से आई है बर्फ़ी, ये कचौरी इंडिया की, ये काजू कतली कहते हैं इसको भाई साहब, और ये इंडिया से आई है। और भी सामान है, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अपने रूम में जाके। भाई अंधाधुंध सामान आया हुआ है, ये देख रहे हो अचार के डब्बे, ठीक है अच्छे से दिखाता हूँ। और बड़ा सिस्टम है यार इसमें, वेला होके दिखाऊंगा आपको। यार अभी मैं बाहर जाने लगा तो मुझे याद आया कल रात को मैं पायल आया था, उनको निकालते हैं, ये फ्रिज में रखे हुए थे मैंने, इनको भाई रखते हैं बाहर, ये लाइक डी फ्रीज हो जाएंगे, फिर रात को यही आज चलेंगे। यार बहुत अरसे बाद पाए मेरे को यहाँ पे नजर आए तो मैंने उठा लिए जल्दी जल्दी सी। ये चेक करो जी, हाय 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 हाय। अभी इनको भाई साहब करते हैं अच्छे से, रात को इनकी कार्रवाई करूंगा मैं। तो भाई साहब गर्म पानी करके मैंने टब में डाल दी है, ये थोड़ी देर में डीप फ्रीज हो जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे को हॉस्टल भी जाना है, आपको हॉस्टल का भी दीदार करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है, लेकिन स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो रह रहे हैं ठीक है। कुछ लाइक फ्लोर्स पे है थोड़ा सा कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ पे रेडी हो गया है, तो आप लोगों को चल के दिखाऊंगा मैं। यार अभी आया था मैं हल्क बैंक, यहाँ से मेरे को कुछ डॉलर्स लेने थे, अबू ने खर्चा वगैरह भेजा था मेरा, रेंट वगैरह A to Z, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, इनकी नेशनल हॉलीडेज चल रही है 3 दिन, तो अभी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई वेडनेसडे थर्सडे को आई। अच्छा तो अभी मैं हॉस्टल आया था, आप लोगों को हॉस्टल दिखाता हूँ। ये सेकेंड फ्लोर है, इस पर अभी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जो रूम्स रेडी हो गए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। भाई साहब ये रेडी हो रहे हैं, नीचे वाले भाई साहब सब रेडी हैं ठीक है, यहाँ पे इनफेक्ट बच्चों ने सामान भी रखा हुआ है कुछ ने तो। अभी आए हम ये 5th फ्लोर पे, ये लड़कों का फ्लोर है, ये साफ सुथरा भी भाई साहब हुआ पड़ा है, और आपको रूम की सिचुएशन दिखा देते हैं। ये बेडिंग वगैरह अलॉट हो गई है कुछ, अभी ये होगी, ये तो हसन भाई नहीं है ना सीन इसका, सही ऊपर चादर मिलेगी, वो जो सा ना जैसे ये ग्रीन कलर की, हाँ 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 हाँ, ये आप लोगों ने ऊपर डालनी, सही 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 सही। तो भाई साहब यहाँ का फुल यस माहौल है, ये चेक कर रहे हो बाहर का व्यू, इसके साथ और भी है, ये 2 बेड का था, ये 4 बेडरूम का है। इस पे अभी लड़कों ने आना है, नीचे से बेडिंग वगैरह लेंगे फिर कार्रवाई करेंगे वो अपन। हॉस्टल से निकल आया था मैं, अभी आया हूँ मेगा पार्क, यहाँ से थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा चिल मारते हैं, फिर घर की तरफ निकलेंगे। ये देखो बच्चे यस हुए हुए हैं, मेरा भी दिल कर रहा है करने को लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एक्चुअली पैसों का पता क्या सीन हुआ है, पैसा मेरा पड़ा है बैंक में, लेकिन भाई साहब 3 रोज़ की छुट्टियाँ आ गई जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो गया। और भाई वो आपको याद होगा मैंने पासपोर्ट दिया था लाइक वीज़ा के लिए, वो मेरे को बोलते भाई तेरे को और पैसे देने हैं, तेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया, मतलब मेरे को कोई 1,20,000 का टीका लग गया। तो एनीवेज 2-3 दिन की बात है, पैसा ही पैसा। फिर अभी भाई घर के लिए निकल रहा हूँ मैं, इस स्कूटर को खोलते हैं और इस पे चलते हैं, बिकॉज बस पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं है।
अच्छा तो स्कूटर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दी है। अभी भाई साहब स्मॉल में आया हूँ, यहाँ से कुछ चीजें उठाते हैं फिर उसके बाद घर को चलेंगे। ये वाली लस्सी मुझे बड़े अरसे बाद मिली है भाई, मैं तो देख के आज खुशी हो गया। इसको पीते हैं। यार घर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे कचरा ही कचरा है, इसको जल्दी से साफ करते हैं फिर मिल्क शेक बनाते हैं और फिर अपने पायो की कार्रवाई करते हैं। अच्छा तो मिल्क शेक की मैंने कार्रवाई कर ली है, ये चेक करो जी, और साथ में अपने पाए भी भाई साहब डीफ्रीज हो गए हैं और खुद ब खुद भाई ऑयल छोड़ रहे हैं, अभी तो पके भी नहीं। एनीवेज ये मिल्क शेक बना के मैं पीऊंगा, चिल मारूंगा, फिर उसके बाद भाई पायो की कार्रवाई करेंगे हम। 3 hours later। अच्छा तो भाई किचन में दोबारा आ गया हूँ मैं और पायो की कार्रवाई करने लगा हूँ मैं। ये कुछ भाई छोटे पीस थे तो ये मैंने इसमें काट के रख दिया, लेकिन ये काफी बड़े बड़े हड्ड हैं तो इनको मैं बाद में करूंगा किसी दिन जब ज्यादा ही दिल किया तो अभी के लिए हम सिर्फ वो बना रहे हैं। इसको रख देता हूँ मैं फ्रिज में पैक करके, ये खाऊंगा मैं बाद में। अच्छा तो भाई साहब पाए में हम ये डाल रहे हैं प्याज एक दरमियाने साइज का, फिर उसके बाद अदरक लहसुन डालूंगा मैं, फिर उसके बाद इसको लिड लगा के रख दूंगा। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं फूड का ब्लॉग कर रहा हूँ, एनीवेज कोई भी अपने का तो ब्लॉग ही करना है। और फिर इसको ढक देंगे, फिर भाई ये आके कार्रवाई करेंगे, 3-4 घंटे का प्रोसेस। 5 घंटे के बाद पाए हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, ये चेक करो जी, इनको प्रेशर कुकर किया था मैंने, अभी ये तड़के का सिस्टम कर रहा हूँ। इसमें योगर्ट डालूंगा और ये पाया मसाला, फिर उसमें सब कुछ मिक्स करके ना इसमें डाल दूंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या सीन होता है। अच्छा तो भाई साहब प्याज अपना फ्राई हो चुका है, अभी इसमें डालूंगा मैं योगर्ट, ये मैंने फेंट ली थी, ये डालते हैं जी इसमें। ठीक है, अरे बहुत जल्दी जल्दी से अपना डाल दे टिक्का मसाला। अभी इसका अच्छे से मसाला बनाते हैं, फिर उस पाए के अंदर डालेंगे और थोड़ी देर देंगे उसको। ठीक है, जैसे ही बनता है आप लोगों को फाइनल लुक मैं दिखाता हूँ। पाए मेरे बन के रेडी हो गए हैं, ये चेक करो जी, क्या मजे के दिख रहे हैं, खाने में भी ऐसे होंगे, मैंने खा के देखे हैं, थोड़े से मेरे नाक से पानी भी निकल रहा है, बड़ा मजा आएगा, 1 साल बाद मैं खा रहा हूँ। एनीवेज व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, चावल अभी बनाऊंगा मैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।